हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में सातवीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, आज 14 मंत्रियों के साथ शपथ ली। शपथ ग्रहण में नीतीश के बाद जैसे ही तारकिशोर और रेणु देवी ने शपथ ली, उनके डिप्टी सीएम बनने पर लगी मोहर। शपथ के बाद मंच पर भी ऊपर बैठे। पटना में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली पंक्ति में बैठे। ज्यादा सीट वाली बीजेपी से इस बार ज्यादा मंत्री बने हैं। बीजेपी जेडीयू के अलावा वीआईपी और हम पार्टी से एक एक मंत्री बनाया गया। सीएम पद की शपथ के बाद बोले नीतीश कुमार, फिर से बनी है एनडीए सरकार, जनता की सेवा करते रहेंगे। बिहार में इस बार टूट गई नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी। सरकार बनने की प्रक्रिया से दूर रहे, ट्विटर पर नीतीश को बधाई दी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सुशील मोदी को इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, सरकार में युवा चेहरों को मौका दिया गया है। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण से महागठबंधन ने आज बहिष्कार किया, आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के नेता नहीं पहुंचे। सुशील मोदी पर बोले सीएम नीतीश कुमार, मीडिया से कहा सुशील मोदी की कमी खलेगी। नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा ने भाई दूज पर नीतीश के लिए रखा था व्रत। नीतीश के 5 भाई बहन हैं। शपथ ग्रहण से पहले रेणु देवी ने की गोधन पूजा, एबीपी न्यूज पर पारंपरिक गीत गाए। मोरा भैया जिया भैया ला खबरी सहोना। हार के बाद महागठबंधन में घमासान, आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने कहा, चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी के घर पर पिकनिक मना रहे थे राहुल, आरजेडी ने कहा ये शिवानंद का निजी बयान है। हार के बाद फिर मचा कांग्रेस में घमासान, कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल, बोले चुनाव ने बताया कि कांग्रेस पर लोगों की पसंद नहीं रही। झारखंड में रिम्स के निदेशक के बंगले पर सजा काट रहे लालू यादव को ठहराए जाने पर फिर सवाल, खुद निदेशक बंगले की जगह गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। जम्मू कश्मीर में बने गुपकर अलायंस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, बीजेपी बोली ये गुपकर नहीं गुप्तचर अलायंस बनाया गया है, चीन की मदद से 370 लाना चाहती है कांग्रेस। जेल में बंद सिद्दीकी कप्पन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, यूपी के हाथरस में हिंसा फैलाने के आरोप में जेल में बंद है सिद्दीकी कप्पन। यूपी के कानपुर में बीती रात मामूली झगड़े पर दो गुटों में हिंसा हो गई, लाठी डंडे चले, एक शख्स की मौत, 4 आरोपी गिरफ्तार। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत बर्फबारी में फंस गए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की नई शिक्षा नीति की तारीफ, बोले बच्चों में वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई करने का प्रोत्साहन मिलेगा। पैगंबर कार्टून विवाद में पाकिस्तान में फ्रांस सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, प्रदर्शन को दबाने के लिए इमरान सरकार पर आरोप लगे।